प्रिय विद्यार्थी, कल मैंने आपको व्यवहारवाद के बारे में बताया था कि व्यवहारवाद क्या है, और जैसा कि आपके समझ में आया होगा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन की एक नई पद्धति है जिसका प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने किया था। और जैसा कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि व्यवहारवाद के माध्यम से डेविड ईस्टन राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, क्रमबद्ध बनाना चाहते थे, अंतर अनुशासनात्मक बनाना चाहते थे, मूल्य निरपेक्ष और निष्पक्ष बनाना चाहते थे। और उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाया जाए और गणित और प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धतियां तकनीकी होती हैं उन्हें उन्होंने राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया और व्यापक अध्ययन हुआ। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से व्यवहारवाद के भी दो पहलू हैं, जहां एक ओर इसके पक्ष में हमने देखा कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक नया आयाम दिया, एक नया डायमेंशन दिया, वैज्ञानिक बनाया, आधुनिक बनाया। लेकिन धीरे धीरे व्यवहारवाद की आलोचना भी होने लगी। ये है सिक्के का दूसरा पहलू कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां भी आ गई, कुछ ऐसी बातें भी हुई। स्वयं डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद के विकल्प के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन करना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद में ऐसा क्या हुआ, व्यवहारवाद की क्या आलोचना है, क्या कमियां थी, या क्या उसमें ऐसा हो गया कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक को एक उत्तर व्यवहारवाद नामक दूसरी अवधारणा का प्रतिपादन करना पड़ा। तो व्यवहारवाद की जो सबसे पहली कमी हुई वह यह हुई कि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिकता पर बल देकर तो अच्छा किया, लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है, इसलिए अति वैज्ञानिकता के चक्कर में व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के मूल स्वरूप को कहीं ना कहीं खो दिया। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग अच्छी बात थी, लेकिन अति वैज्ञानिकता और केवल वैज्ञानिकता वो व्यवहारवाद की कमी थी, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें करोड़ों अरबों लोगों और नागरिकों का अध्ययन किया जाता है, और उसमें वैज्ञानिकता के साथ साथ परंपरागत पद्धतियों का भी सहारा लेना ही पड़ेगा। जबकि व्यवहारवाद की जो कमजोरी है वो ये है कि वो परंपरागत पद्धतियों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है और केवल वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता है। इसीलिए जब उत्तर व्यवहारवाद हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद में परंपरा जो पद्धतियां थी, पुरानी जो पद्धतियां थी, उनका वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ समन्वय करने की कोशिश की गई। ये समन्वय व्यवहारवाद में नहीं किया गया, ये उसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी जो व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी थी कि व्यवहारवाद नई नई तकनीकों, नई नई टेक्निक्स और पद्धतियों के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ गया कि व्यवहारवाद विषय वस्तु की उपेक्षा करने लगा। किसी भी विषय, किसी भी अनुशासन, किसी भी डिसिप्लिन की आत्मा होती है उसका सब्जेक्ट कंटेंट, उसकी विषय वस्तु, उसका सार, उसकी बजाय तकनीक को अधिक बल देकर और विषय वस्तु की उपेक्षा करके व्यवहारवादियों ने बहुत बड़ी भूमिका दी। हुआ क्या कि जो चीज मुख्य थी वो गौण हो गई और जो गौण थी वो मुख्य हो गई व्यवहारवाद में, क्योंकि जो भी हम पद्धतियों को अपनाते हैं, जो भी हम तकनीकों को अपनाते हैं वो इसलिए अपनाते हैं कि विषय वस्तु का अच्छे से अच्छा अध्ययन किया जा सके, लेकिन यह तकनीकें इतनी हावी हो गई कि विषय वस्तु कहीं गुम हो गई। तो ये एक दूसरी कमी थी। तीसरी कमी ये थी कि व्यवहारवादियों ने मूल्यों की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया, लेकिन बिना मूल्यों के कोई भी अध्ययन अधूरा होता है। जो सिद्धांत निर्माण भी हुए तो उनमें मूल्य ना होने से व्यवस्था में किस तरह से सुधार किया जाए इसके बारे में व्यवहारवादी बिल्कुल मौन हो जाते हैं। और अंतिम कमी जो व्यवहारवाद की रही वो ये रही कि जो भी व्यवहारवादी चिंतक हुए, लेखक हुए, शोधकर्ता हुए, उन्होंने धरातल पर जाकर आम आदमी
उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो केवल वातानुकूलित भवनों में बैठकर, प्रयोगशालाओं में बैठकर अध्ययन करते रहे और जमीनी हकीकत से दूर हो गए। तो हम देखते हैं कि यद्यपि व्यवहारवाद की अपनी उपलब्धियां हैं, अपना बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि व्यवहारवाद एक बात ऐसा उपागम है जो वैज्ञानिकता को राजनीति विज्ञान में इतनी गहराई के साथ लाया, लेकिन वहीं तकनीकों पर और वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देकर व्यवहारवादियों ने एक ऐसी भूल की जिसकी वजह से कि व्यवहारवाद का विकल्प तलाशना पड़ा, और वो विकल्प इस स्वयं डेविड ईस्टर ने तलाशा उत्तर व्यवहारवाद के रूप में। इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।